गुड मॉर्निंग, जय सीताराम। आज बताते आपको फटी एड़िया, इन फटी एड़ियों का एक घरेलू उपाय। और जो एड़िया फट जाती है, इसका रीजन क्या होता है कि बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है और पानी का भी लेवल आपकी बॉडी में क्या होता है, कम होता है, तो इनकी वजह से जो एड़िया होती है वो फट जाती है। ओके, इसके अलावा कुछ टिप्स बता रहा हूँ इसमें। बनाना बनाना को पीस लीजिए और उसे जहाँ पे एड़िया फटी है वहाँ पे आप लगाइए, और जब 15 मिनट बाद इसको पैर को धो लीजिए और बाद में वहाँ मॉइस्चराइजर लगाइए। दूसरी टिप्स, दूध और शहद इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और जहाँ पे एड़िया फटी है वहाँ पे आप लगाइए। उसके बाद ठंडे पानी से इनको धोइए, तो शायद बहुत फायदेमंद भी होता। और इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स, इसमें नारियल के तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। नारियल के तेल भी जहाँ पे एड़िया फटी है, उन फटी हुई एड़ियों को यदि आप लगातार नारियल तेल लगाएंगे तो जो फटी हुई एड़िया है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। और इसके अलावा ग्लिसरीन एंड गुलाब जल, इससे भी एड़िया सही हो जाती है। तो ये सभी स्किन से संबंधित टिप्स पॉइंट है जिससे फटी हुई एड़िया सही हो जाती है। ग्लिसरीन एंड गुलाब जल, इन दोनों मिक्स करके जहाँ पे एड़िया फटी है उन जगह पे आप इसको लगाइए। और इसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे शहद को आप उस शहद की क्वांटिटी को बाल्टी में आप डाल दीजिए और उसमें फिर 15-20 मिनट तक पैर को डुबो के रखिए, या नींबू है, ग्लिसरीन है, गुलाब जल, या भी मैंने आपको बताया नारियल का तेल। तो इन सभी अलग अलग टिप्स पॉइंट है जिनको उपयोग करने से आपकी एड़िया पैरों की एड़िया सही हो जाएगी। ये सभी आपके उपाय हैं, किसी भी उपाय को आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।